तो जैसे सर्दियां आती है, बालों की प्रॉब्लम जो है बहुत हद तक बढ़ने लगती है, बालों के अंदर फ्रिज बहुत ज्यादा होने लगता है, बाल एकदम ड्राई हो जाते हैं और डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, हेयर फॉल आपको बहुत ज्यादा होता है सर्दियों के अंदर, और साथ ही साथ इनको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम इतनी सारी, बट सॉल्यूशन एक, बेस्ट हेयर केयर रूटीन जो सर्दियों के अंदर तुम्हारी बहुत हद तक हेल्प करेगा। पूरी सर्दी फॉलो करोगे ना तो तुम्हें सर्दियों के अंदर ये सब भी प्रॉब्लम जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई है ना, वो एक ही नहीं होगी इनमें से, अगर इस हेयर केयर रूटीन को तुम सर्दियों के अंदर फॉलो कर लोगे तो। तो ऐसा क्या है इस रूटीन के अंदर, वो तो तुम्हें इस वीडियो को पूरा देख के ही पता चलने वाला है। तो गाइज, माय नेम इज सेन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ विंटर हेयर केयर रूटीन। और अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए जल्दी से जानते हैं हेयर केयर रूटीन, वो भी विंटर्स के लिए। तो अब सर्दियों की बात ही हो रही है तो यहाँ पर हॉट वाटर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। हम क्या करते हैं सर्दियों के अंदर, गर्म पानी से ही नहाना पसंद करते हैं, बेसिकली सभी करते हैं, बट इस चीज को हम इतना ज्यादा अवॉइड करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। गर्म पानी से नहाते हैं हम, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, बट सबसे बड़ी जो आपकी प्रॉब्लम होती है इसी पानी से नहाना होती है। और पानी से नहाने से तुम्हारे बाल और स्किन, स्किन से रिलेटेड तो मैंने अपना शॉर्ट है एक वो डाल दिया है, बट बालों के लिए भी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अब बालों में क्या होता है, इससे हीट लगती है और बाल आपके डैमेज हो जाते हैं सर्दियों के अंदर, और फ्रिज इनमें बढ़ जाता है। अक्सर क्या होता है ना, सर्दियों के अंदर फ्रिज इसीलिए बढ़ता है, यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से फ्रिज जो है आपके बालों के अंदर सर्दियों में आने लगता है, ड्राई होने लगते हैं, बिकॉज गर्म पानी जो हॉट वाटर या फिर वार्म वाटर बहुत ज्यादा होता है वो क्या करता है, आपके बालों के नेचुरल ऑयल को निकाल देता है और निकालने के बाद उनको ड्राई कर देता है और फ्रिज उनमें ला देता है, जिससे कि क्या होता है आपके बालों का नेचुरल ऑयल निकल जाता है और फ्रिज आ जाता है आपके बालों में। तो बेसिकली यही बात है कि आपके बाल सर्दियों के अंदर ड्राई हो जाते हैं और साथ ही साथ आपके बालों में फ्रिज बढ़ने लगता है। तो करना क्या है बेसिकली, आपको बहुत कुछ करना नहीं है या फिर ठंडे पानी से नहाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, एक ऐसा पानी आप कर लो जिसमें क्या होता है कि आपको उंगली डाल तो वार्म नहीं लगना चाहिए, वो आपके स्किन या फिर आपके हेयर के अंदर एक तरीके से आपको गर्म नहीं लगना चाहिए, ठंडा भी नहीं लगना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, एक अच्छा सा टेम्परेचर होता है आप देख लेना करके, वो टेम्परेचर से आपको वॉश करने अपने हेयर, जिससे क्या होगा आपके हेयर में फ्रिज नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल रहेंगे। तो हमें सेकेंड नंबर पे चीज जो करनी है विंटर के अंदर वो करनी है, यूज एन ऑयल ट्रीटमेंट। ऑयल ट्रीटमेंट का यूज करो। ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली होता क्या, आप अपने ऑयल से जो है बालों को अच्छे से ट्रीटमेंट दो, मीन्स मसाज अच्छे से करो अपने बालों को ऑयल से, और उनको क्या कर सकते हो आप स्टीम भी दे सकते हो, स्टीमर आपके पास होगा तो उससे कर सकते हो, या फिर वार्म टॉवल जो होता है उसको गर्म पानी में डिप करो, उसको हल्का सा निचोड़ो और अपने बालों पे रख लो, कुछ देर रखो और फिर वॉश कर लो अपने हेयर्स को शैम्पू से। तो इससे क्या होगा आपके बाल सर्दियों के अंदर भी नरिश रहेंगे, और अगर नॉर्मल आप ऑयलिंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अब मुझे कमेंट में पूछोगे कि ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए, मैं बता देता हूँ बेसिकली आपको सर्दियों के अंदर कौन से ऑयल यूज करनी चाहिए। मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हो, आलमंड ऑयल यूज कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, सेसमे ऑयल यूज कर सकते हो आप, और साथ ही साथ आप कोकोनट ऑयल यूज नहीं कर सकते सर्दियों के अंदर, आर्गन ऑयल यूज कर सकते हो, ये ऑयल जो है तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट है, कैस्टर ऑयल भी यूज कर सकते हो, तो ये ऑयल सर्दियों के अंदर यूज कर सकते हो, बहुत बेस्ट है यूज करना। तो थर्ड नंबर पे हमें करना क्या है बेसिकली, हम क्या करते हैं हमारी गलती होती है सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर, हम बालों को गीला ही छोड़ देते हैं, उनको ना तो टॉवल ड्राई करते हैं, टॉवल ड्राई भी करते हैं तो नॉर्मल ऐसे पोंछ के रख देते हैं और हेयर ड्रायर से भी नहीं करते, ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। बट आपको सर्दियों के अंदर अपने बालों को ऐसे नहीं छोड़ना है, अगर ऐसे स्टाइल करोगे ऐसे छोड़ दोगे तो आपके बाल धीरे धीरे खराब होने लगेंगे सर्दियों के अंदर, हेयर फॉल आपको बढ़ने लगेगा सर्दियों के अंदर, ये हेयर फॉल का बहुत बड़ा रीजन होता है गीले बालों को ऐसे ही छोड़ना। क्या होता है बालों के अंदर बहुत ज्यादा हद तक आपके जो वजन बढ़ जाता है बालों के अंदर, उससे टूटने लगते हैं धीरे धीरे करके बाल, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है, और आपको इससे कोल्ड भी हो सकता है, तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है। तो फोर्थ नंबर पे एक हेयर मास्क बताने जा रहा हूँ जो बहुत अमेजिंग है, और वो भी तुम घर पे इजीली बना सकते हो। करना क्या है आपको, बनाना लेना है, बनाना आपने हेयर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लेना है, एक ले लो, दो ले लो, जितना भी आप लेना चाहो अपने हेयर के अकॉर्डिंग, लॉन्ग है तो दो ले लो, कम है तो एक ले लो। बनाना को क्या करना है आपको, एक कपड़े के अंदर अच्छे से करके स्क्वीज करके उसका जूस निकालना है, एकदम जूस निकालने के बाद क्या करना है आपको, बनाना के अंदर आपको योगर्ट डालना है, योगर्ट की जगह आप एग लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर आप एग यूज नहीं करना चाहते तो योगर्ट ले सकते हो, दही ले सकते हो आप,
और उसके अंदर डालें ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डालने के बाद हनी डाल दो। हनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लो और उसको अप्लाई करो अपने हेयर के अंदर। हेयर के अंदर अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्कैल्प में और एंड्स में दोनों में लगाना, जिससे फ्रीज नहीं रहेगा आपके बालों में और नरिश रहेंगे आपके बाल, मॉइस्चराइज रहेंगे सर्दियों के अंदर भी। आपको रखना कितनी देर है, 30 मिनट रख लो। 30 मिनट के बाद वॉश कर लो। अगर आप शैम्पू करना चाहते हो शैम्पू कर सकते हो, ऑयल यूज नहीं किया है तो आप नॉर्मल वॉश भी कर सकते हो, बेसिकली दोनों चीज कर सकते हो। और आपके बाल सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है इस हेयर मास्क से। वीक में एक बार करना है, बहुत अच्छा हेयर मास्क है। तो 5 नंबर पे तुम्हें करना क्या है, डीप कंडीशन योर हेयर। अपने हेयर को कंडीशन करो डीपली। वो भी वो कैसे कर सकते हो, या तो तुम नॉर्मल कंडीशनर यूज करते हो वो कर लो। अगर कंडीशनर यूज नहीं करते तो कोई भी आप हेयर मास्क यूज कर रहे हो जैसे मैंने वो पहले बताया, फिर कोई और हेयर मास्क, उससे क्या कर सकते हो, अपने हेयर को डीप कंडीशन कर सकते हो, और वो भी वीक में एक बार। डीप कैसे करोगे, अब जो भी हेयर मास्क यूज कर रहे हो उससे क्या करोगे, अपने बालों को स्टीम दोगे। स्टीम देने से आपके बाल जो है कंडीशन हो जाएगी डीपली। और कंडीशनर यूज करना चाहो तो कंडीशनर भी यूज कर सकते हो, दोनों ही अच्छे हैं, बट कंडीशनर भी यूज कर सकते हो और ये जो डीप कंडीशनिंग है वो भी कर सकते हो। ये दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं। और उसको करना क्या, आपको डीप कंडीशन देने के बाद अपने बालों को वॉश कर लेना जैसे नॉर्मल करते हो, तो इससे तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा सर्दियों के अंदर नरिश रहने वाले हैं, मॉइस्चराइज रहने वाले हैं, और साथ ही साथ तुम्हारे बालों की जो हेल्थ लाइफ है सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो थोड़ा बहुत भी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसे वीडियोज के लिए। सो थैंक यू गाइज।